हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन में जो एक एरर आती है कि आपका जो सिस्टम है 600 के लिए ब्लॉक किया जाता है, उस एरर को कैसे रिजोल्व करना है आज हम देखेंगे। कई सारे फ्रेंड की फरमाइश थी कि आप एक ऐसा वीडियो बनाए, क्योंकि कई सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, और कई को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं मिला। यहाँ पर मैंने भी कई सारे मुश्किल के बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढा है, क्योंकि मेरे पास मैंने कई बार सिमेंटेक को क्लाइंट को अनइंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लाइंट है, तो क्लाइंट में जाना है, क्लाइंट मेनू में उसके कई सारे ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 क्लाइंट में इंस्टॉल किया हुआ है मेरे सिस्टम में सिमेंटेक एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर मैं पॉलिसी में जाऊंगा और उसके टास्क पर क्लिक करना है। जैसे टास्क पर क्लिक करूंगा तो एक मेनू ओपन होगा, उस पर एडिट सेल पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे उसको ओपन करेगी, एक दूसरा विंडोज ओपन होगा, उसमें एक सेटिंग करना है और आपको ग्रुप की अपडेट करने कंटेंट को उसको अपडेट करना है। मैं आपको एक बता दूं कि ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर से नहीं होता, उसमें एक्सेस नहीं कर सकते, या आपके नेटवर्क ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकते, या आपका इंटरनेट भी कई बार ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि ये कैसा होता है कि आपका प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ हो, तो प्रॉक्सी सर्वर में ट्रैफिक कई सारी आती हो, और ऐसा होता है कि आपका प्रॉक्सी सर्वर ही ब्लॉक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ऑटो प्रोटेक्ट करके एक ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, उस पर क्लिक करना है, ऑटो प्रोटेक्ट, ओके। और यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग करके दूसरा ऑप्शन है, और नेटवर्क सेटिंग में जाइए, बस यही करना है, दोनों टिक मार्क करता देना है, यहाँ पर डिसेबल एंड देन ओके कर देना है, उसके बाद यस ओके एंड ओके। और आपके जो ग्रुप है क्लाइंट में, ग्रुप है, उसको राइट क्लिक करके यहाँ पर हम कमांड टाइप अपडेट कंटेंट कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तो कई जैसे आपने पॉलिसी जो भी अभी अप्लाई की है वो सभी क्लाइंट में लग जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं देख सकता आपको दिखा रहा हूँ कितना ट्रैफिक मेरे सिस्टम में आया, उसके कारण नेट मेरा बन गया होगा तो ट्रैफिक लॉग क्या हुआ है, मेरा प्रॉक्सी सर्वर में ट्रैफिक लग गया है, तो इसके कारण मेरे सिस्टम में इंटरनेट अभी बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो रिमोट होस्ट है वो देखिए 10.0.0.5, जो मेरा प्रॉक्सी सर्वर है वहाँ से मेरा नेट आ रहा है। तो क्या हुआ कि इसको भी सिमेंटेक ने ब्लॉक कर दिया, तो मेरा इंटरनेट यहाँ पर बंद हो गया है। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर वो पॉलिसी अप्लाई कर दी है, तो इसके कारण क्या होगा कि मेरा इंटरनेट एकदम फास्ट चलने लगेगा। ओके, मॉनिटर में जाइए, उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है कि कितने क्लाइंट में वो अप्लाई हुआ है। हम पहले मॉनिटर की समझ देखेंगे, उसके बाद कमांड का स्टेटस देखिए कि मेरे सिस्टम में कितने सिस्टम में ये अप्लाई हुआ है। यहाँ पर मैं इंटरनेट भी मेरा चेक कर लूँगा कि मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, मॉनिटर में जाइए, ओके, यहाँ पर समरी देख लेता है, तो समरी में नो, ओके, देख ले मेरा इंटरनेट भी इंस्टॉल हुआ है, एक पॉपअप भी आ गया है नरेंद्र मोदी सर का। ओके, यहाँ पर ओके, यहाँ पर समरी आप देख सकते हैं कि नो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कमांड स्टेटस हम देख रहे कितने कमांड स्टेटस यहाँ पर आए, कितने क्लाइंट हुए, तो 75% क्लाइंट हो गए, यानी कि मेरा क्लाइंट तो अपडेट हो गया हो गया। यहाँ पर मैं इंटरनेट चेक करके देख लूँ, अगर इंटरनेट मेरा चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो कि मेरा सिस्टम जो प्रॉक्सी सर्वर ब्लॉक था वो प्रॉक्सी सर्वर को अलाउ कर दिया उसने। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं समझता हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझको कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू।